तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और आज के दिन के पहला और एकमात्र वीडियो जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। प्रीमियर लीग का मैच और दो बहुत बड़ी टीम्स प्रीमियर लीग के आमने सामने। दोस्तों कल हमने दो तीन मैचेस कवर किए थे, परसों भी रेगुलर मैचेस कवर हो रहे हैं और कल से फिर चैंपियंस लीग शुरू है, तो सभी मैचेस लगभग हमारे चैनल में कवर होने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उससे भी जुड़ जाइए। फाइनल टीम सब मैचों के वहीं मिलते हैं और कल के सारे मैचेस लगभग काफ़ी बेहतरीन गए हमारे, तो लगभग रोज ही मैचेस अच्छे जा रहे हैं, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। अब चलते हैं इस मैच के एनालिसिस पे। तो दोस्तों जो आर्सेनल और मैन यूनाइटेड है दोनों लगभग प्रीमियर लीग की टॉप की टीम्स है, लेकिन दोनों थोड़ा स्ट्रगल कर रही है सीजन। खासतौर पे मैन यूनाइटेड ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनल। ओल्ड ट्रैफिड मैन यूनाइटेड के होम मैच है, आज रात 12:30 AM पे स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे स्टैंडिंग्स देखिए, आर्सेनल 8th पोजीशन में तो मैन यूनाइटेड 11th पोजीशन में। 3 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार आर्सेनल की है, मैन यूनाइटेड की 2 जीत 2 ड्रॉ और 2 हार हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैन यूनाइटेड आर्सेनल के कंपेरेटिवली लेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। लास्ट 5 रिजल्ट दोनों टीमों के देखे तो पहले आर्सेनल का देखिए, सबसे पहले उन्होंने टॉटनम से 2-2 ड्रॉ खेला था, फिर वाटफर्ड से भी 2-2 ड्रॉ खेला है, फिर उन्होंने आइटियन फ्रैंकफर्ट को एक अच्छा मैच हराया था यूरोपा लीग का, फिर 3-2 से एस्टन विला से जीते थे, और पिछले मैच में नॉटिंगम फॉरेस्ट को EFL कप में 5-0 से हराया था। फॉर्म अच्छी चल रही है। मैन यूनाइटेड के देखा जाए तो 1-1 ड्रॉ साउथहैम्पटन से था, फिर 1-0 उन्होंने लेस्टर को हराया था, फिर अस्थाना को 1-0 हराया था, और उसके जो पिछला प्रीमियर लीग मैच था 2-0 से वेस्ट हैम से हार गए थे। ये बहुत शॉक डिफीट थी। पिछला मैच भी ड्रॉ खेला है, रोजडेल जैसी छोटी टीम से EFL कप में ड्रॉ खेला है। अब इनके बड़े प्लेयर्स भी काफ़ी इंजर्ड हैं। लास्ट 5 रिजल्ट इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं तो मैन यूनाइटेड 3 जीती है, आर्सेनल 1 जीती और 1 मैच रहा है ड्रॉ। जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी दोस्तों आर्सेनल की और मैन यूनाइटेड की मार्च में हुई थी, 2-0 से आर्सेनल ने मैन यूनाइटेड को हरा दिया था। झाका और ओबामियांग का यहाँ पे गोल आया था। ये दोनों ही प्लेयर्स आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आप पासेज में यहाँ पे डोमिनेंस और पोजीशन में डोमिनेंस मैन यूनाइटेड का था, फिर भी आर्सेनल ने मैच जीता था। अब इंजरी डाउटफुल, एक बहुत बड़े प्लेयर आर्सेनल के इंजर्ड है, अलेक्जेंडर लाकाजेत, स्टार ऑलराउंडर, ये आज नहीं खेलेंगे। और झटका मैन यूनाइटेड को भी लगा है। रैशफर्ड, मार्कस रैशफर्ड इनके स्टार स्ट्राइकर बाहर हो गए, एंथोनी मार्शल और लूक शॉ भी बाहर हैं। वहीं एक अच्छी खबर इनके लिए यह है कि पॉल पोगबा के आज के मैच में खेलने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो ये खेल सकते हैं। प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं दोनों टीम्स की। पहले मैन यूनाइटेड की देखिए, 4-2-3-1 की फॉर्मेशन से खेलते हैं। डेविड डगे इनके गोलकीपर है, वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर में इनका नाम आता है। एरन वैन बिसाक और एसली यंग इनके फुलबैक्स हैं, और आगे आगे काफ़ी असिस्ट करते हैं, काफ़ी पेसी हैं दोनों। विक्टर लिंडलॉफ, हैरी मैग्वायर इनके सेंटर बैक्स हैं। इसके साथ ही स्कॉट मैक्टोमिनो भी होल्डिंग मिडफील्ड में खेलते हैं। पॉल पोगबा आज खेलेंगे तो दोस्तों थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे, अगर ये नहीं खेले इनके बदले मैथिज खेलेंगे, अगर ये खेले तो मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, सबसे मेन प्लेयर मैन यूनाइटेड के। माता खेलते हैं अटैकिंग मिडफील्ड में, पोगबा के साथ माता अटैकिंग मिडफील्ड में खेलेंगे। परेरा खेलेंगे विंग्स में डेनियल जेम्स के साथ, और जैसी लिंगार्ड खेलेंगे रैशफर्ड के बदले। यहाँ पे ग्रीनवुड भी खेल सकते हैं जो इनके युवा प्लेयर है, लिंगार्ड और ग्रीनवुड में से कोई एक खेलेगा। तो पोगबा, वैन बिसाका, यंग, डेनियल जेम्स, लिंगार्ड, माता, ये सभी मेन प्लेयर्स इनके रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर पोजीशन मैन यूनाइटेड के अंडर में रही तो ये दोनों पासेस काफ़ी ज़्यादा बनाएंगे स्कॉट मैक्टोमिनो के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है आर्सेनल के पोजीशन रहने वाली है ज़्यादा, तो उनके प्लेयर्स पासेस बना सकते हैं। आर्सेनल की फॉर्मेशन देखिए, 4-4-2 की फॉर्मेशन से खेलते हैं, डायमंड फॉर्मेशन से खेलते हैं। लेनो इनके गोलकीपर हैं, मैथलेट नाइल्स और कोलासिनक ये इनके फुलबैक्स, और ये भी काफ़ी पेसी है मैन यूनाइटेड की तरह, आगे आके असिस्ट और गोल करने की इनके अंदर कैपेसिटी है। सोक्राइटिस और डेविड लुइस इनके सेंटर बैक है, सोक्राइटिस के बदले चेंबर्स भी खेल सकते हैं, वो बाकी टेलीग्राम में बताऊंगा। ये दोनों के मेरे को पासेस बनाने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। और झाका सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं ये तीनों, साथ ही गंडोजी, ये चार प्लेयर काफ़ी ज़्यादा पासेस बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है पोजीशन आर्सेनल के हाथ में रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग है मैन यूनाइटेड से आर्सेनल। और टोरेरा भी सेंट्रल मिडफील्ड में खेलेंगे, सिबायोस खेलेंगे अटैकिंग मिडफील्ड में, ओबामियांग और पेपे खेलेंगे स्ट्राइकिंग सेक्शन में। ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्सेनल के प्लेयर्स ये दोनों ही रहने वाले हैं। अब दोस्तों टॉप गोल स्कोरर दिस सीजन की बात करें, ये सेक्शन आपको टीम बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ये आप जरूर देखिएगा। आर्सेनल से ओबामियांग के अकेले 6 गोल है, इनके पेनल्टी टेकर भी है। लाकाजेत 2, पेपे, तोरेरा और चैम्बर्स का 1 गोल है। लाकाजेत आज इंजर्ड है, लेकिन दोस्तों जो पेपे का 1 गोल है, पिछले मैच में आर्सेनल में की तरफ से ओबामियांग ने अपनी पेनल्टी पेपे को दी थी ताकि 1 गोल मार सके, तो आज मुझे पूरा श्योर हूँ कि ओबामियांग ही पेनल्टी लेने वाले हैं। असिस्ट में सिबायोस, मैथलेट नाइल्स के 2-2 असिस्ट है, पेपे, गंडोजी और कोलासिनाक का 1-1 असिस्ट है। मैन यूनाइटेड से ज़्यादा गोल पड़े नहीं अलग अलग प्लेयर से, जेम्स के 3 गोल है, रैशफर्ड के 3 गोल है, हालांकि आज इंजर्ड है, और मार्शल के 2 गोल है, ये भी इंजर्ड है। तो जेम्स के एकमात्र देखिए, पोगबा के 2 असिस्ट हैं, मार्शल, रैशफर्ड, मैक्टोमिनो और परेरा का 1-1 असिस्ट है। अब दोस्तों आप ये स्टैट्स का ले लीजिए स्क्रीनशॉट,
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एक बार फिर बताता हूँ दोनों टीम्स की तरफ से, यहाँ पे मैन यूनाइटेड सॉरी आर्सेनल का देखते हैं पहले, ओबामयांग पेपे ये दोनों प्लेयर्स में सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा, टॉप टू पिक्स आपकी होनी चाहिए, फिर सिबायोस, कोलासिनाग, मैथलेन नाइल्स और झाका। मैन यूनाइटेड से सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा जेम्स और पोगबा को, उसके बाद लिंगार्ड ग्रीनवुड में से जो खेला वो, बाकी माता वैन बिसाका और यंग। अब दोस्तों प्रिडिक्शन, आर्सेनल का अवे मैच है, मैन यूनाइटेड का होम मैच है, लेकिन फिर भी मैन यूनाइटेड के मार्शल, रैशफर्ड जैसे प्लेयर्स आज अवेलेबल नहीं है जो कि फिनिशर्स हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आर्सेनल को फेवर कर रहा हूँ। ओबामयांग भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2-1 आर्सेनल मेरी प्रिडिक्शन है। ये 1-1 ड्रॉ भी हो सकता है, इवन मैन यूनाइटेड भी आर्सेनल को हरा सकती है होम एडवांटेज की वजह से, तो ये कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसी रिजल्ट के ज़्यादा चांसेस है। इसी रिजल्ट को लेकर ही हमने अपनी ड्रीम इलेवन की टीम बनाई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक बार टेलीग्राम चैनल आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये है टेलीग्राम चैनल, सभी मैचेस की फाइनल टीम्स आपको यहीं मिलती है, और देखिए काफ़ी अच्छी हमारी व्यूअर्स की विनिंग्स यहाँ पे हो रही है, स्क्रीनशॉट आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी टिप्स मिलती है जो आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प करती है, तो दोस्तों जाइए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम देखते हैं। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन में मैंने दो टीम्स बनाई है, जो मेरी पहली टीम है ये मेरी 2-1 आर्सेनल वाली टीम है, जिसमें आर्सेनल दो मारी गई, एक मैन यूनाइटेड, यहाँ मैंने 6 प्लेयर्स आर्सेनल के लिए, 5 मैन यूनाइटेड के। दूसरी टीम है ये मेरी 1-1 ड्रॉ वाली है, या 1-0 आर्सेनल में भी ये काम आ जाएगी। तो पहली टीम मैं दिखाता हूँ दोस्तों, तो पहली टीम है यहाँ मैंने 3 डिफेंडर्स गोलकीपर मिला के आर्सेनल के लिए, और 2 मैंने मैन यूनाइटेड के लिए बैलेंस करने के लिए। मोस्टली बंदे आपको चारों मैन यूनाइटेड के डिफेंडर लेते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि मैन यूनाइटेड आर्सेनल के कंपैरिजन में इंडियन फैंस में ज़्यादा फेमस क्लब है, तो यहाँ पे मोस्टली 4 डिफेंडर आर्सेनल के जा सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैन यूनाइटेड ईजिली आर्सेनल को हरा पाएगी। बाकी मैंने तीनों मेन अटैकर्स आर्सेनल के ले लिए, और 3 मैन अटैकर्स मैंने ले लिया मैन यूनाइटेड के। अब इसमें मैं आपको चेंजेस कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे गोलकीपर लेनो लिया, आप चाहें डेगया ले सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं थोड़ा आर्सेनल की क्लीन शीट वाले फेव के चांसेस मुझे लग रहे हैं, इसलिए मैं नैनो के साथ जा रहा हूँ, जो मुझे सेव्स के साथ एक्स्ट्रा क्लीन शीट के पॉइंट देंगे। बाकी कोलासिनाक और डेविड लुइस मैंने लिया, आप कोलासिनाक हटा के मैथलेट नाइल ले सकते हैं, या आप डेविड लुइस हटा के भी मैथलेट नाइल ले सकते हैं। बाकी मैग्वायर वैन बिसाका मैंने ले लिया, आप मैग्वायर हटा के दोस्तों एसली यंग ले सकते हैं, काफ़ी अटैकिंग लेफ्ट बैक प्लेयर है, असिस्ट कर सकते हैं आगे आके। बाकी मैंने मैग्वायर इसलिए लिया क्योंकि हेडिंग एबिलिटी इनकी अच्छी है और गोल्स मार सकते हैं हेडर से और पासेस देंगे। बाकी दोस्तों नीचे से आपके पास विक्टर लिंडलॉफ भी एक ऑप्शन है, अगर आप मैग्वायर हटा के इनके साथ भी जा सकते हैं। मिडफील्ड में पोगबा मैंने लिए, मैं ये खेले तो 90% इनके खेलने के चांसेस, तो सबसे पहली पिक आपकी रहनी चाहिए, मस्ट पिक। बाकी सिबायोस मैंने लिया, ये बहुत अटैकिंग प्लेयर है, अगर सिबायोस नहीं खेलते हैं फिर आप ओजिल ले सकते हैं, अगर ओजिल खेले तो। बाकी दोस्तों नीचे से मैंने डेनियल जेम्स लिए, ये भी आपको मस्ट पिक लेने हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अगर आप इनको नहीं लेना चाहते फिर आप लिंगार्ड खेले, लिंगार्ड के साथ जा सकते हैं। और बाकी दोस्तों नीचे से मैंने जुआन माता लिया, अब ये भी अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, अच्छे प्लेयर, अगर आप इनको नहीं लेते आप एंड्रेस परेरा ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ से गंडोजी ले सकते हैं आर्सेनल के प्लेयर। तो दोस्तों ये किया मैंने एक चेंज, बाकी मैंने दोनों ओबामयांग और निकोलस पेपे ये दोनों स्ट्राइकर ले लिए, आपके मस्ट पिक रहने चाहिए अगर ये दोनों खेले। अगर दोस्तों यहाँ पे मेसन ग्रीनवुड खेलते हैं तो आप मिडफील्ड से डुआन माता या डेनियल जेम्स किसी एक को ड्रॉप करके मेसन ग्रीनवुड के साथ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे युवा ये प्लेयर हैं। दोस्तों यह है मेरी पहली टीम, यहाँ मेरे कैप्टन होने वाले ओबामयांग, वाइस कैप्टन मैंने पेपे रखे हैं, आप पॉल पोगबा या डेनियल जेम्स को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं इस टीम में। तो दोस्तों यह है टीम, यहाँ से आप पोगबा, डेनियल जेम्स इन दोनों को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं 2-1 वाली टीम में। मैं थोड़ा आर्सेनल को आज के मैच में कर रहा हूँ फेवर, ये मेरी पहली टीम है। अब मैं एक बार आपको दूसरी टीम भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यह है मेरी दूसरी टीम, यहाँ मैंने आर्सेनल के 7 प्लेयर्स लिए, क्लियरली फेवर करा है ड्री, पीछे से भी मैं उनके 3 डिफेंडर्स लेके हूँ, एकमात्र डिफेंडर मैंने मैन यूनाइटेड के लिए हैरी मैग्वायर। बाकी मैंने यहाँ से 5 मिडफील्डर्स में 2 आर्सेनल के मिडफील्डर्स लिए, गंडोजी और सिबायोस, बाकी 3 यहाँ से मैन यूनाइटेड के मिडफील्डर लिए, और ओबामयांग और पेपे मैंने दोनों ले लिए। यहाँ मैंने कैप्टन ओबामयांग है, वाइस कैप्टन यहाँ मैंने कराया पॉल पोगबा को, आप चाहे तो पेपे, डेनियल जेम्स या सिबायोस, गंडोजी किसी को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस करने, तो परेरा के बदले आप माता ले सकते हैं, या नीचे से ग्रीनवुड खेले तो वो भी परेरा के बदले आप ले सकते हैं। बाकी आप दोस्तों गंडोजी के बदले झाका या टोरेरा में से कोई ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दो टीम्स, फाइनल टीम जो भी होगी वो मिलेगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जरूर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल ये दोनों है डेमो टीम्स, फाइनल टीम वही मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।